हेलो दोस्तों, बनारस एजुकेशन में स्वागत है। आज मैं जैन धर्म के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। उससे पहले हमारे जो भी चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर क्लिक कर लें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपके यहाँ सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे। ओके, चलिए हम जैन धर्म के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। जैन धर्म या महावीर, देखिए जैन सभाएं बोलेगा कहाँ कहाँ हुआ था। प्रथम जो है जैन सभाएं पाटलिपुत्र में 4 BC में हुआ था, जो कि स्थूलभद्र है। आप देखिए बोलेगा जैन साहित्य जो है 12 अंगों का संकलन था, इसके बारे में हम आगे अच्छे से डिटेल पढ़ेंगे। द्वितीय जैन सभाएं जो है वल्लभी ये गुजरात में पड़ता है, छठी शताब्दी में 512 ईस्वी में हुआ था। इसके जो है क्षमा श्रवण और देवृद्धि गढ़ थे। आप देखिए जैन धर्म का विभाजन, उस समय हुआ था जब जो है बहुत बड़ा काल यहाँ पे पड़ गया था। उसी समय जो है जैन सभाएं वहां से छोड़ के दूसरे स्थान पे चले गए थे। और कुछ समय बाद जब वहां आए तो देखे जैन धर्म 2 भागों में बढ़ गया था, एक स्थूलभद्र एक दिगंबर के बारे में। अब देखिए क्या होता है, बोलेगा स्थूलभद्र इसमें जो है श्वेत वस्त्र पहनते थे, लेकिन दिगंबर में पूर्णतः नग्नता अवस्था में रहते थे। इसमें स्त्री के लिए मोक्ष प्राप्त था, लेकिन दिगंबर में स्त्री के लिए मोक्ष प्राप्त नहीं था। अब देखिए महावीर स्वामी जो है इसमें भगवान माने जाते थे, यानी महावीर स्वामी इसमें मूर्ति पूजा ये सब महावीर स्वामी का हुआ करता था, बट दिगंबर में जो है एक पुरुष हुआ करते थे। अब इसके बाद देखिए महावीर स्वामी ने संघ की स्थापना की जिसमें 11 अनुभवी थे जो गंधार कहे गए। महावीर की मृत्यु के बाद सुधर्मन संघ का प्रमुख बना। अब इसको फिर से एक बार देखिए, बोलेगा महावीर स्वामी ने संघ की स्थापना किया। ये संघ वही है जिसमें सब जाति के जो है इसमें प्रवेश कर सकते हैं। इसमें 11 अनुभवी थे जो गंधार कहे गए। गंधार की राजधानी जो है तक्षशिला हुआ करती थी। और महावीर के मृत्यु के बाद सुधर्मन संघ का प्रमुख बना। कहने का मतलब महावीर स्वामी की जब मृत्यु हो गया उसके बाद जो है प्रमुख सुधर्मन प्रमुख बना। आप देखिए कुछ प्रतीक चिन्ह, कहने का मतलब सबका अलग अलग प्रतीक चिन्ह बनाया गया है। देखिए जैसे ऋषभदेव का जो है बैल या वृषभ था। अब इसके बाद देखिए अजित नाथ का जो है प्रतीक चिन्ह हाथी हुआ करता था। पार्श्वनाथ जो है सर्प है, ये 23वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म कहेगा कहाँ हुआ था, तो वाराणसी में हुआ था। अब देखिए महावीर स्वामी का जो है सिंह से प्रतीत होता था। अब देखिए जैन साहित्य यानी अर्धमागधी भाषा में लिखा गया, इसमें देखिए क्या होता है, अंग 12 जैन सिद्धांत, कहने का मतलब इसे जैन सिद्धांतों के बारे में वर्णन किया गया है। उपांग 12 इसमें अंग का विस्तार किया गया है। प्रकीर्ण 10 इसमें अंगों का परिशिव किया गया है। मूल सूत्र 4 हुआ करता था। अब देखिए बोलेगा जैन साहित्य को आगम कहा जाता था,